नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले गांव के एक परिवार को लाठी डंडे से जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं। ये वीडियो छेगांव माखन थाना क्षेत्र के गांव बंजारी का है, जहां पर पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और लाठी और पाइप से बुरी तरह से पीटा। महिलाएं बचने के लिए पुलिस से हाथ जोड़कर भीख मांगती रही, लेकिन पुलिस बेरहमी से महिलाओं को पीटती रही। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोरोना मरीज और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। वहीं इस मामले में एसपी खंडवा विवेक सिंह का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव आए युवक के परिवार वालों ने पहले स्वास्थ्य कर्मी फिर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। बचाव में पुलिस को सख्ती के साथ पेश आना पड़ा। इस घटना के बाद सभी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गांव बंजारी में 20 साल के एक युवक का शुक्रवार को कोरोना सैंपल लिया गया था। रविवार को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के मेडिकल अधिकारी रविवार को दोपहर में करीब 1 से 2 बजे के बीच गांव बंजारी पहुंचे। इस मामले पर मेडिकल अधिकारियों ने कोरोना पॉजिटिव शख्स के परिवार वालों से जानकारी मांगी तो इस पर विवाद शुरू हो गया। मेडिकल अधिकारियों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। फिर उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। आरोप है कि पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में सख्ती करी। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।